हाँ जी भी स्टूडेंट्स, आज अपनी जिहड़ी डिस्कशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन दे उपर होएगी। मैजर ऑफ डिस्परजन दे विच अपने कोल बहुत सारे मैथड्स अवेलेबल है जिस जिन्हों की हैल्प नाल आपां वेरिएशन नू मैजर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथड है स्टैंडर्ड वेरिएशन नू कैलकुलेट करन दा। स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या चीज़, ये बारे डिस्कस करांगे, ये न्यूमेरिकल डिस्कस करांगे आज दे लेक्चर दे विच। स्टैंडर्ड डेविएशन मैथड सब तो पहला कार्ल पीयरसन ने सुजेस्ट किया 1893 दे विच। और स्टैंडर्ड डेविएशन नू असी समॉल सिगमा दे नाल डिनोट करते हैं, जो कि ग्रीक अल्फाबैट है समॉल सिगमा, उस दे नाल नू डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये किस तरह काम करता है उदे बारे मैं दसदा। जो सोडे कोल एक्स सीरीज़ है, जिवें कि कोई भी सोडे कोल सीरीज़ हो सकती है, उस सीरीज़ का सब तो पहला असी अरिथमैटिक मीन निकालते हैं। और जो अरिथमैटिक मीन हुंदा है, फिर असी एक्स की हर एक आइटम दे विच्चों मीन नू माइनस करते हैं, तो साडे कोल एक्स माइनस एक्स बार का जो डिफरेंस है वह आना शुरू हो जाएगा। फिर तुसी उस डिफरेंस की हर एक वैल्यू का स्क्वायर करोगे, दैन उसका सम करोगे, दैन उसकी एवरेज लाओगे, मतलब एक्स माइनस एक्स बार दे स्क्वायर का सम, दैन उसनू नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन से डिवाइड करके सोडे कोले एवरेज आएगी। फिर तुसी क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो तुहाडे कोले स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। इस फॉर्मूला का जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है, वो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। ये तुहाडे कोले ऑब्जर्वेशंस ने, ठीक है जी, उन्हां ऑब्जर्वेशंस दे विच्चों तुसी अरिथमेटिक मीन नू माइनस किया, फिर तुहाडे कोल जिहड़ियां डेविएशनस आईयां फ्रॉम अरिथमेटिक मीन तुसी उन्हां दा स्क्वायर किया, दैन तुसी उन्हां दी एवरेज लै ली, यानी कि अरिथमेटिक मीन लै लिया, एंड दैन उसका तुसी क्या लै लिया, स्क्वायर रूट, और वह तुहाडे कोल स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो हुण स्टूडेंट्स तुहानूं ये दसण की कोशिश करांगे कि जिहड़ा ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इस नूं असी किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो सब तो पहला मैं तुहाडे नाल इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच स्टैंडर्ड डेविएशन असीं किवें कैलकुलेट करते हैं, वो साडा नैक्सट डिस्कशन का पार्ट होएगा। इंडिविजुअल सीरीज़ स्टूडेंट्स वो हुंदी आ जिस दे विच फ्रीकुएंसी नहीं हुंदी, जिस दे विच हर एक आइटम नूं असीं इंडिविजुअली लिस्ट करते हैं, लिखते हैं, उसनों असीं इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं। और इस इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच जदों असी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालांगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालन दे भी साडे कोल बहुत सारे मैथड्स है, जिवें कि साडे कोल डायरैक्ट मैथड है, साडे कोल शॉर्टकट मैथड है, स्टैप डेविएशन मैथड है। तो मैं तुहाडे नाल सब तो पहला शॉर्टकट मैथड की हैल्प नाल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाऊंगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। तो स्टूडेंट साढ़े को वाला क्वेश्चन है जो असी सॉल्व करना है। इस विच सानू दो सीरीज़ गिवन ने, एक्स सीरीज़ एंड वाई सीरीज़। सानू इस क्वेश्चन दे विच ये पूछा गया है कि असी दोनों सीरीज़ का एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और उस तो बाद इन्हां दोनों सीरीज़ का कंपैरिजन करना है कि किस सीरीज़ दे विच जिहड़ी वेरिएशन है वह ज़्यादा है। तो जदों स्टूडेंट साढ़े कोले कंपैरिजन का सवाल आता है, असी टू और मोर सीरीज़ नूं कंपेयर करना हुंदा है और दसना हुंदा है कि किस दे विच वेरिएशन ज़्यादा है, तो उस दे लई असी स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मैजर यूज़ करते हैं, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सब तो पहला तो असी एब्सोल्यूट मैजर निकालांगे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालांगे दोनों सीरीज़ के, उस तो बाद असी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालांगे,
फिर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कंपेयर करके असी दसन की कोशिश करांगे कि किस सीरीज़ दे विच ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स असी जो साडे कोल एक्स सीरीज है और वाई सीरीज है, तो ये दोनों सीरीज का स्टूडेंट जिहड़ा आपां वेरिएशन नू कंपैरिजन करना है, तो उहदे लई असी शॉर्टकट मैथड का इस्तेमाल करांगे और असी किहड़े स्टैप्स लवांगे वह भी तुहानू मैं दसदा हां। तो स्टूडेंट्स वेरिएशन नू कंपेयर करन दे लई सब तो पहला स्टैप जिहड़ा होएगा स्टैप नंबर वन, तुसी जिहड़ी एक्स सीरीज है उसका मीन निकालोगे, यानी कि सब तो पहले स्टैप दे विच आपां एक्स सीरीज का मीन निकालांगे अरिथमैटिक मीन, और स्टैप नंबर टू दे विच स्टूडेंट्स असी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज निकालांगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज दे लई असी ए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करांगे जिहदा नाम है शॉर्टकट मैथड, डी एक्स स्क्वायर सिगमा ओवर एन माइनस सिगमा डी एक्स ओवर एन द होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो इतने स्टूडेंट जो डी एक्स है वह एक्स माइनस ए है, ए स्टैंड फॉर अज्यूम्ड वैल्यू, यानी कि एक्स माइनस ए जिसनों असी डी एक्स न रिप्रजेंट किया इसनों बोलते हैं डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड वैल्यू। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इन दिस वे साढ़े को स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज आएगा, और स्टैप नंबर थ्री दे विच असी कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करांगे, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन जेड़ा स्टूडेंट्स कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है इसनों असी इन शॉर्ट सी वी भी बोलते हैं, तो आप एक्स सीरीज का सी वी निकालांगे, सी वी ऑफ एक्स सीरीज, तो यह किस तरह आएगा, जो स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स है उसनों तुसी एक्स सीरीज दे मीन ते, ठीक है, डिवाइड करोगे, यानी कि स्टैंड डेविएशन एक्स स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज डिवाइडेड बाय मीन ऑफ एक्स सीरीज इनटू 100, इन दिस वे साडे कोल सी वी आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप वाई सीरीज दे विच भी फस्ट स्टैप दे विच वाई मीन निकालांगे, यानी कि असी फस्ट स्टैप दे विच वाई सीरीज का अरिथमैटिक मीन निकालांगे, उस तो बाद सैकेंड स्टैप दे विच असी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालांगे, वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालांगे, सेम फॉर्मूला यूज होएगा, शॉर्टकट मैथड असी यूज करांगे। ठीक है जी, और इस तरह निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, डी वाई स्क्वायर सिगमा ओवर एन माइनस सिगमा डी वाई ओवर एन द होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, वेयर डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए। द स्टूडेंट्स डी वाई स्टैंड फॉर डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड वैल्यू इन वाई सीरीज, जो ए है ए अज्यूम्ड वैल्यू इन वाई सीरीज है। ठीक है, तो उस तो बाद स्टूडेंट्स ए फस्ट स्टैप च असी वाई मीन निकालिया, सैकेंड स्टैप च असी स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई निकालिया, थर्ड स्टैप दे विच असी निकालांगे सी वी ऑफ वाई सीरीज, यानी कि कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन वाई सीरीज, और ये निकलेगा स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज ओवर वाई मीन, यानी कि वाई सीरीज का अरिथमैटिक मीन इन टू 100। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स थोड़े को दोनों सीरीज का जो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है वो आएगा। वेरिएशन नू कंपेयर करन दे लई असी कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करांगे, और कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालन दे लई स्टैंडर्ड डेविएशन ते मीन दी जरूरत हुंदी है, दैट्स वाई असी ये दोनों मैजर फाइंड आउट करांगे सब तो पहला। हुण जिहड़ी वेरिएशन हुंदी है स्टूडेंट्स, वेरिएशन नू किस तरह मैजर किया जाता है विद दी हैल्प ऑफ कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का आंसर जिन्ना ज़्यादा आएगा, जिन्नी वैल्यू वध होएगी कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन की, उन्नी ही वेरिएशन इन द सीरीज ज़्यादा होएगी, मतलब कि कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उस सीरीज दे विच वेरिएशन भी ज़्यादा है। ओके,
अगर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन घट होएगा तो उसका मतलब यह होएगा कि उस सीरीज़ दे विच वेरिएशन घट है, इट मीनस वो सीरीज़ ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा यूनिफॉर्म है, ज़्यादा कंसिस्टेंट है। यानी कि असी जो भी किसी भी सीरीज़ की स्टेबिलिटी चैक करनी है या कंसिस्टेंसी चैक करनी है या किसी भी डेटा की यूनिफॉर्मिटी चैक करनी है तो असी कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालांगे। अगर उस सीरीज़ का कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन द रिजल्ट बहुत घट आ रहा है, आंसर घट आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो ये शो करेगा कि वेरिएशन घट है। वेरिएशन घट है मीन्स कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा है। ओके, अगर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का जो रिजल्ट है वह जीरो आ जाए, इट मीन्स देर इज नो वेरिएशन, वेरिएशन नहीं है, सीरीज परफेक्टली स्टेबल है। ओके, तो हुण असी स्टूडेंट जो साडा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन दे विच ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखांगे कि केड़ी सीरीज ज़्यादा वेरिएशन शो कर रही है। लो जी स्टूडेंट्स, साडे कोल एक्स सीरीज और वाई सीरीज गिवन है, तो हुण असी जो फॉर्मूला तुहानूं मैं पिछे दिखाया उस दे अकॉर्डिंग असी हुण इन्हां नूं सॉल्व करन दी कोशिश करांगे। तो सब तो पहला असी एक्स सीरीज़ दी कैलकुलेशन करदे हां, तो डी एक्स निकालदे हां। डी एक्स ओही एक्स माइनस ए, ए स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड वैल्यू। तो असी एक्स सीरीज़ दे विचों जो वैल्यू अज्यूम की गई है वह है 650, 650 नूं असी अज्यूम किया है, ये सोडियां एक्चुअल वैल्यूज़ ने। तो हुण 700 चों 650 माइनस होया, एक्स की वैल्यू कितनी है 700, ए की वैल्यू कितनी अज्यूम की है 650, तो 700 माइनस 650 50, फिर 675 दे विचों 650 माइनस होया 25, फिर 725 दे विचों 650 माइनस होया तो 75 आया, एंड सो ऑन। इन दिस वे स्टूडेंट सोडे कोले डी एक्स की वैल्यू आएगी। सिमिलरली ठीक है डी वाई आएगा, चलो पहला आप इसनों कंप्लीट कर लिए। तो डी एक्स तो बाद स्टूडेंट्स जो असी स्टैंड डेविशन निकालना है एक्स सीरीज का, उस एक रिक्वायरमेंट है कि डी एक्स का स्क्वायर चाहिए सानू, तो असी फिर स्क्वायर कैलकुलेट करांगे डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर 2500, 25 का स्क्वायर 625, एंड सो ऑन असी ये सारे स्क्वायर निकाल लांगे। उस तो बाद जो साडा फॉर्मूला है उस सानू सिगमा डी एक्स की वैल्यू चाहिए है, तो डी एक्स आया इसका तुसी सम कर लो, तो सिगमा डी एक्स की वैल्यू साढ़े को आ गई 175। डी एक्स स्क्वायर का भी सानू सम चाहिए, सिगमा डी एक्स स्क्वायर साढ़े को आ गया 16875। हुण यही कैलकुलेशन असी वाई सीरीज़ लई परफॉर्म करांगे, तो उसके लिए डी वाई जो कि वाई माइनस ए है और वाई सीरीज़ के विचों असी 600 नूं अज्यूम किया होया, तो 550 के विचों 600 माइनस होया तो माइनस 50, 600 चो 600 माइनस होए तो 0, 575 के विचों 600 माइनस होए तो माइनस 25, एंड सो ऑन। फिर स्टूडेंट तुहाडे कोल आ गया डी वाई का स्क्वायर, माइनस 50 का स्क्वायर 2500, फिर 0 का स्क्वायर 0, एंड सो ऑन स्क्वायर कर दो। और फिर तुसीं क्या करना है, क्योंकि जो स्टैंड डेविशन ऑफ वाई निकलेगा ना, तो उसके लिए सानू डी वाई सिगमा डी वाई और डी वाई स्क्वायर सिगमा की जरूरत है, और वो टोटल लगा लो तुसी, सिगमा डी वाई सोडे कोल माइनस 175 आ गया, और डी वाई स्क्वायर का जो टोटल है यानी कि सिगमा डी वाई स्क्वायर साढ़े को 16875 रिजल्ट आ रहा है। हुण स्टूडेंट्स असी यही वैल्यूज़ नू फॉर्मूला च पुट करके रिजल्ट लवांगे, स्टैंडर्ड डेविशन का रिजल्ट, दैन आएगा तुहाडे कोले मीन का रिजल्ट, दैन आपां कोफिशेंट निकालांगे, फिर कंपैरिजन करके इस रिजल्ट ते पहुंचांगे कि किस दे विच वेरिएशन ज़्यादा है। लॉबी स्टूडेंट्स वो जो इनफॉर्मेशन है साढ़े कोले ठीक है, साढ़े कोले सिग्मा डी एक्स 175 और डी एक्स स्क्वायर सिग्मा जो साढ़े कोले 16
1875। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण असीं इस इनफॉर्मेशन दे बेस ते सब तो पहला एक्स सीरीज का मीन निकालांगे, और एक्स सीरीज का मीन निकालने लई फॉर्मूला है ए यानी कि अज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम एक्स सीरीज प्लस सिग्मा डी एक्स ओवर एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो तुम ये वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, ए एक्स तुहाडे कोले अज्यूम्ड वैल्यू, और अज्यूम्ड वैल्यू अपनी कितनी सी 650। ठीक है जी, 650 प्लस सिग्मा डी एक्स तो तुहाडे कोल सीगा, डन भी क्लीयर स्टूडेंट्स। उस तो बाद एन की वैल्यू 10, तो जो तुम सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल आएगा 667.5। तो ये स्टूडेंट थोड़े को मीन आ गया एक्स सीरीज का। ठीक, उस तो बाद असी स्टैंड डेविशन ऑफ एक्स सीरीज फाइंड आउट करांगे, और तुम्हें पता है फार्मूला डी एक्स स्क्वायर सिगमा ओवर एन माइनस सिगमा डी एक्स ओवर एन द होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो जो तुम ये निकालोगे वैल्यूज पुट करोगे, डी एक्स स्क्वायर सिगमा की कितनी वैल्यू है 1687.5 ओवर 10 माइनस डी सिग्मा डी एक्स कितना है सिग्मा डी एक्स 175 ओवर 10, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना तुसी। ठीक है, तो इन दिस वे स्टूडेंट्स थोड़े को जो स्टैंडर्ड डेविशन का रिजल्ट आ रहा है, ठीक मैं इतने लिखने लगे हैं, जो स्टैंडर्ड डेविशन एक्स का इनू सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, दैट इज है 37.15। इसको सॉल्व करोगे यू विल गैट 37.15। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट्स असी ठीक है सीवी ऑफ एक्स सीरीज निकालना है, सीवी ऑफ एक्स सीरीज दैट इज है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज ओवर मीन ऑफ एक्स सीरीज इनटू 100। ठीक है, तो हम थोड़े को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज कितना है 37.15, और जो मीन है दैट इज है 667.5 इंटू 100। अगर तुम इस सॉल्व करोगे यू विल गैट 5.56%। ओके डन भी, तो हूँ स्टूडेंट साढ़े को फाइनल रिजल्ट आ चुके है एक्स सीरीज का, कि जो एक्स सीरीज का सी वी है कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन है वो है 5.56%। सिमिलरली स्टूडेंट्स तुम वाई सीरीज की जी कैलकुलेशन करोगे, और वाई सीरीज की कैलकुलेशन लिए थोड़े को जो सिग्मा डी वाई है वो -175 सी। ठीक है, और डी वाई स्क्वायर सिग्मा 16875 डन। तो जो वाई मीन आएगा वह किमें आएगा अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ वाई सीरीज प्लस सिग्मा डी वाई ओवर एन। Assumed value of y series students कितनी सी? That is 600। ठीक है, वो तो आपके कोल 600 सी, done 600 plus -175 over 10। और जब तुम सॉल्व करोगे तो आपके कोल y mean आएगा, और जो y mean है तो आपके कोल that is आ रहा है स्टूडेंट्स 582.5, that is a y mean। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स थोड़े को स्टैंड डेविशन आएगा वाई सीरीज का, और जो स्टैंड डेविशन है ठीक है उसका फार्मूला डी वाई स्क्वायर सिगमा ओवर एन माइनस सिगमा डी वाई ओवर एन द होल स्क्वायर डन। जो तुम वैल्यूज पुटअप करोगे, ठीक है वैल्यूज पुटअप करोगे तो इतने कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 16875 ओवर 10 माइनस -175, क्योंकि सिग्मा डी वाई दी जो वैल्यू है दैट इज -175 ओवर 10 द स्क्वायर। द स्टैंड डेविशन जो सॉल्व करोगे यू विल गेट 37.15। सॉल्व करन तो बाद स्टूडेंट्स ए रिजल्ट आएगा। हुण इस दा भी आपां कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालिए, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई सीरीज स्टैंड डेविशन ऑफ वाई सीरीज ओवर वाई मीन इन टू 100। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करो 37.15 ओवर वाई मीन की वैल्यू कि 582.5 एंड यू विल गैट सी वी ऑफ वाई दैट इज जो तुम पुट करोगे जो रिजल्ट आएगा वह आएगा 6.38%। ठीक है जी,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 6.38 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੀ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊਸ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਐਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਫ ਦਾ ਜੋ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਅਰ ਐਨ। ਓਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਐਫ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਐਨ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋਗੇ, ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਣੇ ਡੀ ਐਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਆਈ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਆਈ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਫਰੋਮ ਡੀ ਐਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਜੋ ਡੀ ਐਕਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਈ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਆਈ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਬਚੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਨਿਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਓਵਰ ਮੀਨ ਇੰਟੂ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਨਿਕਾਲੋ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੋ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਓਵਰ ਮੀਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਟੂ 100 ਕਰ ਦਿਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹੀ ਨਮੈਰੀਕਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 0 to 10, 10 to 20 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ 50 to 60 ਤੱਕ।
ए उदे कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी है 15, 17, 19 एंड सो ऑन। ठीक है जी, इस चीज़ का स्टैंड डेविएशन निकालना है। सब तो पहला स्टेप मिड वैल्यू का होएगा। जीरो मिड वैल्यू किस तरह निकलती है, जो एक क्लास इंटरवल है इसकी ये लोअर लिमिट है, ए अपर लिमिट है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू यू विल गेट मिड वैल्यू। यानी कि 0 + 10 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 5, 10 + 20 30 डिवाइड बाय 2 15, दैट इज अ मिड वैल्यू। हुण तुसी स्टूडेंट डिस्क्रीट सीरीज दे विच तुहाडे कोल ऑलरेडी एक्स इन दिस वे गिवन होएगा, और कॉन्टीन्यू सीरीज क्लास इंटरवल होणगे, तां क्लास इंटरवल नूं आपां किस च कन्वर्ट कर लिया, मिड वैल्यू च। सो दैट्स वाई डिस्क्रीट सीरीज ते कॉन्टीन्यू सीरीज दी जो कैलकुलेशन होएगी बिल्कुल सेम होंदी है। कॉन्टीन्यू सीरीज च एक स्टैप एक्सट्रा है कि जो क्लास इंटरवल्स ने उन्होंने सानू मिड वैल्यूज निकालने पैंदे है। ओके, तो मिड वैल्यूज निकाल ले, तो उस तो बाद स्टूडेंट्स वही सेम वे डी एक्स निकालना है एक्स माइनस ए करके, और इतने असी ए दी वैल्यू अज्यूम की हुई है 35, तो 5 दे विचों 35 माइनस होया तो माइनस 30, 15 चो 35 माइनस होया माइनस 20, 25 चो 35 माइनस होया माइनस 10 एंड सो ऑन। उस तो बाद स्टूडेंट्स ए असी निकाला डी डैश एक्स, और डी डैश एक्स किवें निकलता है, डी एक्स नू आई ते डिवाइड करके। वट इज आई, कॉमन फैक्टर, तो डी एक्स के आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर भी किड़ा निकालिया जा सकता है, तो इस जो कॉमन निकल सकता दैट इज 10। इस करके अपनी जी आई है ना उसकी वैल्यू जो है वह 10 है। जो अं 10 कॉमन निकालेंगे तो सर को डी डैश एक्स आएगा। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट तुम्हें चाहिए डी, इतने स्टूडेंट डी डैश एक्स स्क्वायर है, इट्स नॉट डी एक्स स्क्वायर, इट इज डी डैश। ओके, सो नोट इट, इट इज डी डैश एक्स स्क्वायर। ठीक है, -3 द स्क्वायर 9, -2 द स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, उस तो बाद स्टूडेंट्स थोड़ी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तुसी एफ नू फ्रीकुएंसी नू एक तो डी डैश एक्स ना मल्टीप्लाई करना है, एक फ्रीकुएंसी नू डी डैश एक्स स्क्वायर ना मल्टीप्लाई करना है। तो सब तो पहला थोड़ी जी एफ है ना, ए वाली एफ दी वैल्यूज इस डी डैश एक्स ना मल्टीप्लाई होनी है, यानी कि 15 इंटू -3 दैट इज -45 दैट इज एफ इंटू डी डैश एक्स। ठीक है, फिर 17 इंटू -2 -34 एंड सो ऑन। ठीक है जी, उस तो बाद तुसी लास्ट कॉलम दे विच देखो डी डैश एक्स स्क्वायर नू एफ ना मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और डी डैश एक्स जो ये डी डैश एक्स ही है स्टूडेंट, डी डैश एक्स स्क्वायर जो है उदी वैल्यू है 9, इहदे कोरस्पोंडिंग एफ दी वैल्यू किन्नी है 15, 15 इंटू 9 135, फिर 17 इंटू 4 68 एंड सो ऑन। इन दिस वे स्टूडेंट सोडे कोले जो सोडे फार्मूला दी रिक्वायरमेंट है दैट इज एफ डी एफ इंटू डी डैश एक्स एफ इंटू डी डैश एक्स स्क्वायर, दोनों रिक्वायरमेंट्स आ गई। बाद दे विच तुसी इन्हां दा सम कर दो, यू विल गैट सिगमा एफ डी डैश एक्स इक्वल्स टू -55, फिर डी डैश एक्स स्क्वायर इंटू एफ करके उदा सम कर दो, यू विल गैट सिगमा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289। डन बी, अगर ये वैल्यूस आ गई तो हम फॉर्मूला च वैल्यूस पुट कर दो। स्टूडेंट देखो ये साढ़े को ऑलरेडी वैल्यूज है ने, डी डैश एक्स इंटू एफ सिगमा, डी डैश एक्स का स्क्वायर इंटू एफ सिगमा, और एन यानी कि सिगमा एफ एफ का टोटल फ्रीकुएंसी का टोटल दैट इज है 109। ये जो वैल्यूज ने असी पुट करती हैं, देखो फॉर्मूला है ए वाला, ये तो ऑलरेडी मैं दस चुकिया। ठीक है, हम देखो जी ए वाली वैल्यू है ना, ठीक है, एफ डी डैश एक्स स्क्वायर सिगमा वो इतने आ गई, देखो क्लीयर आप ही डन। उस तो बाद एफ डी डैश एक्स सिगमा एफ डी डैश एक्स, ठीक है नोट इट, उसकी वैल्यू है -55, -55 आ गया, एन इतने है 109 वो आ गया, इतने भी 109, ये चीज़ ब्रैकेट दे विच है, ब्रैकेट से आप ले ली। उस तो बाद ये उपर स्क्वायर है, उपर अंडर रूट आ गया, आई की वैल्यू स्टूडेंट्स आप नैचुरली आई 10 निकालिया से 10 आ गया। हुण स्टूडेंट तुसी इनू सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करके यू विल गेट
जो थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आएगा 15.48, ये वैल्यू आ गई। इन दिस वे स्टूडेंट तुसी स्टैंडर्ड डेविएशन दी कैलकुलेशंस कर सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज फ्रॉम अरिथमेटिक मीन असी निकालते हैं, ठीक है। अगर तुसी उसनू ओरिजिनल फार्मूला यूज करोगे तो ये वाला जो फार्मूला है ये भी तुसी यूज कर सकते हो, एक्स माइनस एक्स बार द स्क्वायर, ठीक है, इनटू एफ सिग्मा ओवर एन उपर अंडरूट, ये भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये दसना चाहता सीगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज असी अरिथमैटिक मीन तो निकालते हैं, ओके। बाकी जो तुहानू फार्मूला ठीक लगता है, ये फार्मूला अच्छा रहता है, कॉन्टीन्यू सीरीज तुहाड़ी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी कर देगा, तो ये स्टूडेंट तुहाड़ी कैलकुलेशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तुसी एज इट इज़ निकाल सकते हो, तुहानू पता ही है फार्मूला सेम है, डन। तो अज दे लैक्चर लई बहुत है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होप सो तुहानू समझ आ जाएगा, थैंक यू।